अब बात करते हैं सोलन जिला की, जहां कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता व विधायक हर्षवर्धन चौहान ने एक पत्रकार वार्ता में प्रदेश सरकार पर राजनीतिक हमला बोला। हर्षवर्धन चौहान ने प्रदेश सरकार से कर्मचारियों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जेसीसी की बैठक में लिए गए निर्णयों पर कर्मचारियों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पुलिस कर्मचारी, आशा वर्कर और पीस मील कर्मचारी सरकार से परेशान होकर आंदोलनरत है। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों के इन वर्गों की मांगों का तुरंत हल निकाले। कर्मचारियों का जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है उसको 3 साल से घटा के 2 साल किया है। वो तो जो बीजेपी का घोषणा पत्र था उसमें 2017 के चुनाव में दिया था, और इन्होंने ये भी किया है और बहुत लेट किया है। और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के इश्यूज़ हैं, जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, टीचर्स यूनियन जो है जिसके 90,000 कर्मचारी, उन्होंने जेएससीसी में जो मुख्यमंत्री की घोषणाएं हैं उसको बहुत सिरे से नकारा है। बहुत सारे इश्यूज हैं, और ऐसा नहीं है कि जेएससीसी की मीटिंग को हम ही विरोध कर रहे हैं। भारतीय मजदूर संघ ने इसका विरोध किया है, और जेबीटी बीएड इश्यूज को भी रिजॉल्व नहीं किया। तो बहुत सारे इश्यूज हैं, मुख्यमंत्री से मांग करेंगे इन इश्यूज को वो रिजॉल्व करें। हर्षवर्धन चौहान ने यह भी कहा कि कांग्रेस एकजुट है और अगले साल विधानसभा चुनावों में फिर से सत्ता में लौटेगी।